Hey guys, welcome to my channel Grace and Glory. This is Ruchika. So guys, आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताऊंगी किस तरह से आप अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम से अपने फेस पे मसाज कर सकते हो. So guys, आप एक्चुअली किसी भी कोल्ड क्रीम से मसाज कर सकते हो अपने फेस पे, लेकिन नाउ गाइस अयूर स्पेशल है क्योंकि मेरी फैमिली में सदियों से लोग अयूर हर्बल क्रीम को यूज़ करते आ रहे हैं और मेरा भी इसके साथ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है. लाइक मुझे जब भी अपने फेस पे मसाज करना होता है, मैं अयूर कोल्ड क्रीम से ही हमेशा मसाज करती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं अपने फेस पे, अपनी स्किन पे इसके साथ मसाज करने से. नाउ गाइस, थोड़ा सा मैं बता दूँ क्यों अयूर हर्बल क्रीम स्पेशल है और अच्छी है मसाजिंग के लिए. नाउ गाइस, सबसे पहले आपको इसमें मिल जाएगा एलोवेरा. नाउ गाइस, एलोवेरा का आपको पता है, एलोवेरा आपकी स्किन को ट्रीट करता है, हील करता है, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है आपकी स्किन से. एंड एट द सेम टाइम इसमें आपको मिल जाएगा वाइटामिन ए, जो कि आपको पता है विटामिन ई आप में स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी स्किन के कलर को हल्का सा लाइट करता है, उसको फेयर बनाता है. एंड एट द सेम टाइम ब्राइटनेस एक फेस पे ले आता है, एक ग्लोई आपके फेस को बना देता है. सो दीज आर सम थिंग्स विच मेक्स अयूर हर्बल क्रीम रियली द बेस्ट मसाजिंग क्रीम. नाउ गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मसाज करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए. सो नाउ गाइस, जिस तरह से क्लेंजिंग, टोनिंग, देन स्क्रबिंग, फेस पैक, ये सब चीज़ें आपके फेस के लिए, आपके फेशियल थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इसी के साथ साथ मसाजिंग भी एक अहम पार्ट है आपके फेस की देखभाल करने का, आपके फेस की केयर करने का. नाउ गाइस, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई महंगा सा कोई मसाजिंग क्रीम ज़रूरी लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप बहुत इजीली अपने घर पे जो भी आपके कोई कोल्ड क्रीम हो उसके साथ भी मसाज कर सकते हैं. और मैं यहाँ पे आज अयूर हर्बल क्रीम के साथ आपको मसाज करके बताऊँगी. नाउ गाइस, आप इसको भी खरीद सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलती है. नाउ मेरे पास ये थोड़ा सा बड़ा वाला पैक है जो कि 65 रुपीज़ में मुझे मिला है एंड अच्छी खासी क्वांटिटी आपको इसमें मिलेगी एंड जो कि आई थिंक आपके 3 to 4 months तो लाइक बहुत इजीली चल पड़ेगी. नाउ गाइस, मसाजिंग के साथ जब भी आप मसाज करते हो आप अपने फेस पे, मसाजिंग बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन. नाउ जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाएगा तो एकदम से आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगा एंड एट द सेम टाइम जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन में होगी वो बहुत हद तक कम हो जाएगी. नाउ गाइस, इसके साथ में अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम का एक और फ़ायदा जो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा फील किया है वो है कि अगर आपको आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं या फिर ब्लेमिशेस हैं या एक्ने मार्क्स हैं, किसी भी तरह के मार्क्स हैं, जब भी आप मसाज करते हो कोल्ड क्रीम को लेके, कोल्ड क्रीम के साथ, तो धीरे धीरे वो जो आपके डार्क स्पॉट्स होंगे वो हल्के हल्के लाइट होना शुरू हो जाएंगे. एंड अगर आप परमानेंटली इस क्रीम के साथ मसाजिंग की हैबिट को परमानेंटली इंक्लूड करते हो अपनी लाइफ में, देन आई थिंक वो स्लोली स्लोली एकदम से डिसअपीयर ही हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे. नाउ गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बस एक बार मसाज करो और आपका फेस एकदम से वाइट हो जाएगा, ग्लोई हो जाएगा और सारे निशान दाग जो भी आपके फेस पे हैं स्पॉट्स वो ख़त्म हो जाएंगे. लाइक ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बट आप धीरे धीरे इसको इंक्लूड करो. नाउ गाइस, आपको ये मसाजिंग करना होता है वीक में एक बार. इस चीज़ को अपनी हैबिट बना लो कि वीक में एक बार तो आपको मसाज जरूर करना है अपने फेस पे. नाउ मंथ में हो गया 4 times मसाज अपने फेस पे. नाउ अगर आप मंथ में 4 बार मसाज कर रहे हो और वो आप रेगुलर कर रहे हो 2-3 month तक, तो डेफिनेटली जो मैं डार्क स्पॉट्स के बारे में बात कर रही हूँ, निशान जो एक्ने मार्क्स वगैरह है उनके बारे में बात कर रही हूँ, वो 2-3 महीने में तो आपको खुद फ़र्क देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, लाइक डिसअपियर हो चुकी है. और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को एंड डेफिनेटली आपको भी वो फ़र्क देखने को मिलेगा. सो इसलिए अयूर मसाज क्रीम मैं लेके आई हूँ. एंड इसके साथ साथ गाइस,
मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ वेज बताऊंगी किस तरह से आप खुद से अपने आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हो. लाइक दे आर सम सर्टेन रूल्स, कुछ वेज होते हैं मसाजिंग के और बहुत इजी इजी और सिंपल वेज होते हैं. अगर वो आपको आ जाए तो आप बहुत आसानी से खुद से मसाज कर सकते हो. नाउ गाइस, मसाजिंग का एक और फ़ायदा है कि आपका ये स्ट्रेस लेवल को एकदम से रिलीव कर देती है. नाउ गाइस, इन टूडेज लाइफ आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी ये सब चीज़ें होती है. नाउ कभी आपको वर्क का प्रेशर है, कभी आपकी पर्सनल लाइफ में प्रेशर है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती है जिससे स्किन पे भी तो इफेक्ट होता ही है. इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नाउ मसाजिंग की हेल्प से आप बहुत हद तक अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिलीव कर सकते हो, उसको रिलीव्ड कर सकते हो. सो दे आर सम सर्टेन रूल्स जो कि मैं आपको बताऊंगी. सो गाइज, हर हाल में आप देखो तो मसाजिंग इज़ रॉली रॉली इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, एंड वीक में एक बार मसाज करना कभी नहीं भूलें. सो अभी मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, लेट्स मूव ऑन टू द डेमो किस तरह से मसाज करना है. सही है. सो या गाइस, सबसे पहले आपको लेना है पानी एक बाउल में. नाउ गाइस, मसाज में पानी हमें किस तरह से यूज़ करना है आपको आगे बताऊंगी. एंड फिर आपको लेनी है क्रीम. सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ले रही हूँ अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम. सो इस तरह से मैं फिंगर्स पे क्रीम को लेके अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी लाइक दिस. सो या गाइस, इस तरह से आपको पूरे फेस पे ये क्रीम को अप्लाई करना है एंड देन आई विल स्टार्ट मसाजिंग. सो नाउ गाइस, हमारे फेस पे कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जिनको मसाजिंग के दौरान अगर हम प्रेस करते हैं तो बहुत हद तक हम लोग का स्ट्रेस लेवल वो डिक्रीज़ करता है, हमें रिलैक्स फील करवाता है और बहुत हद तक लाइक हम लोग की हार्ट अटैक वगैरह को ख़त्म करता है. नाउ आप देख सकते हो ईयर के पास मैं यहाँ पे अपने हैंड ले जाके प्रेस करूँगी हल्का सा. नाउ बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के से प्रेस करना है. नाउ गाइस, ये एंटी क्लॉक स्टेप इसको बोलते हो जो हम हेड फोरहेड और आइज़ के बीच में इस तरह से करते हैं. एंड ये जो आपको आईब्रोज़ के पास ये दोनों पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे भी आपको हल्का सा प्रेस करना होता है. सो किसी भी तरह की सर दर्द हो बहुत हद तक कम कर देता है सर दर्द को एंड बहुत हद तक आपको रिलैक्स भी फील करवाता है. सो या गाइस, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ चिन एरिया पे मसाज, देन नोज़ एरिया और सर्कुलर मोशन में जितना हो सके आपको मसाज करना है. एंड गाइस, मसाजिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं लाइक मैं पहले भी बता चुकी हूँ. नाउ गाइस, ये स्टेप एंटी क्लॉक स्टेप है जो मैंने आपको अभी बताया. एंड देन प्रेस योर साइड से अपने फोरहेड को आपको प्रेस करना है लाइक दिस. नाउ ईयर के पास इस तरह से, यस. सो आराम से बी जेंटल विद योर स्किन, डोंट बी हार्श गाइस, बिकॉज ये आपके ही स्किन है, किसी और की नहीं. सो बी जेंटल एंड या एंड डोंट फॉरगेट योर आइज गाइस. नाउ गाइस, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो मैं आइज के साथ कर रही हूँ. लाइक आपको इस तरह से अपनी आइज को हल्का सा प्रेस करना है, बहुत हल्के से प्रेस करना है गाइस. डोंट बी हार्श एट ऑल और ज़ोर से प्रेस ना करें. इस तरह से आपको प्रेस करना है और रिलीज़ करना है, प्रेस करना है और रिलीज़ करना है. बहुत हद तक आपकी सर दर्द को ठीक करेगा. और आइज एरिया के पास हमेशा बहुत बार आपको लगता है कि बहुत हैवीनेस है, लाइक आप कंप्यूटर ज़्यादा देखते हो, मोबाइल ज़्यादा देखते हो, तो वो हैवीनेस भी काफ़ी हद तक ये दूर करेगा लाइक दिस. आपको अपने फिंगर्स की टिप से यहाँ पे हल्के हल्के से मसाज करनी है. इसके साथ साथ आई एरिया के अराउंड जो आपका पिगमेंटेशन कालापन होता है उसको भी ये बहुत हद तक दूर करेगा. नाउ गाइस, मैं यहाँ पे ले रही हूँ वाटर. सो हल्का सा वाटर मैं इस तरह से अपने हाथ में लेके से टैप करूँगी स्किन में और स्टार्ट कर दूँगी मसाजिंग. नाउ गाइस, इससे क्या होता है, जब भी आप मसाज करने के दौरान तो हल्का सा वाटर हाथ में लेके मसाज करते हो, देन जो प्रोडक्ट, जो क्रीम आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी, आपके पोर्स के अंदर जाएगी और जो भी उसके गुण होंगे आपकी क्रीम के, वो उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे. जैसे इसमें विटामिन ई है तो आपके फेस को ये बहुत ज़्यादा ग्लोई बनाएगा, लाइटन आपकी स्किन टोन
को करेगा। नाउ गाइज, इस तरह से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में अपलिफ्ट करना है अपने फेस को। नाउ इसका बहुत फ़ायदा होता है, लाइक जैसे बहुत सारे लोगों की स्किन लटकना शुरू हो जाती है, वो इससे नहीं लटकेगी और ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन, आपका फेस और ज़्यादा यंग दिखता है। सो ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ या आप पूरा मसाजिंग गाइस ध्यान से देखें किस तरह के स्टेप्स मैं इसमें कर रही हूँ, एंड बहुत आसानी से आप भी घर बैठे मसाज कर पाओगे इस तरह से। अगेन हल्का सा वाटर। सो क्या है गाइस, एक और फ़ायदा है वाटर लेने का, आप थोड़ा सा क्रीम लें, थोड़ा सा प्रोडक्ट लें और वाटर के साथ वो बहुत अच्छे से आपका मसाज हो जाएगा। लाइक आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट या क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा भी क्रीम, थोड़ा सा भी क्रीम है उससे भी बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हो मैं आई एरिया पे बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ। ये एंटी क्लॉक है स्टेप आपका, एंड देन चीक्स। ध्यान रखिएगा गाइस, कभी भी ऐसा ना करें कि समहाउ आप लोग करते हो कि ज़्यादा आप अपने चीक्स को ही पे ही मसाज करोगे या फिर नोज़ पे मसाज करोगे। आप ध्यान रखिए कि आपको हर एक पार्ट ऑफ फेस, हर एक पार्ट पे इक्वली मसाज करना है। सो या तो ये मसाज गाइस आपको करना है 10 मिनट, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। नाउ गाइस, आप वाटर लें और स्टार्ट टैबिंग ऑन योर फेस। लाइक अब आपको सिर्फ टैप करना है, टैप करने से जो भी आपने मसाज किया है और जो भी क्रीम है वो एकदम से अब्सॉर्ब हो जाएगी, एंड ऑफ कोर्स अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ यू जस्ट हैव टू डैप डैप एंड डैप एंड देन मसाज। सो गाइज, आप घर पे जरूर ट्राई करें मसाज करना लाइक दिस। सो नाउ गाइज, आप अब अपने फेस को वाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन। सो मैं यहाँ पे अपने फेस को साफ करूँगी कॉटन की हेल्प से। आप वॉश भी कर सकते हो फेस, लेकिन यहाँ पे मैं कॉटन से इसको साफ कर लूँगी। नाउ गाइस, आप बहुत हद तक देख सकते हो मेरा फेस कितना ग्लोई इस वक्त पे लग रहा है, एंड सुपर सॉफ्ट मेरी स्किन हो गई है यहाँ पे, सुपर सॉफ्ट। सो या गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। एंड प्लीज़ आप भी घर पे मेक इट योर हैबिट कि वीक में आपको एक बार ज़रूर अपने फेस पे मसाज करना है। आप हो सके तो प्लीज़ मैं रेकमेंड करूँगी आप अयूर कोल्ड क्रीम को खरीद लें, बहुत सस्ती है, कुछ महंगा नहीं है गाइज। लेकिन आप नहीं खरीद सकते हो देन डोंट वरी, कोई भी आपके पास कोल्ड क्रीम है आप उसकी हेल्प से ज़रूर मसाज करें वीक में एक बार अपने फेस पे। एंड इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहीं कहीं दे दूंगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और आप इस क्रीम से मसाज करने के बाद तो ज़रूर बताएं आपको क्या फ़र्क देखने को मिला। एंड एट द सेम टाइम, अगर फ्यूचर में आपके कुछ सजेशंस हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो जिसके बारे में आप कन्फ्यूज्ड हो, जानना चाहते हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड प्लीज़ 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 गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी कीजिए इस वीडियो को। एंड या गाइज, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।